Good evening. It's so wonderful to see my dear, precious children. कितना अच्छा लग रहा है मुझे जब मैं अपने बहुमूल्य बच्चों से मिल रहा हूँ. The only thing that makes sense to life that we have 50, 60, 70, 80, 90 years, it is the Lord Jesus Christ. हमारा जीवन जितना भी लंबा हो, चाहे 60, 70, 80 साल का, एक ही बात हमारे लिए वास्तविक है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह. And I want you to know, whatever I say to you tonight is out of the most heartfelt love and concern I have for you. और आज रात को मैं जो बताने वाला हूँ, वो आप समझ लीजिए कि मेरा जो हृदय है, आपसे बहुत अधिक प्यार करता है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ. I did not think about how I can get some money from you. मैं ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आपसे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे. I don't think about how great a medical doctor or IAS officer or prime minister of the country you will become. मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आप कितने बड़े मेडिकल डॉक्टर बनोगे या प्रधानमंत्री बनोगे या IAS के ऑफिसर बनोगे. I don't. मैं नहीं सोचता. I only think about how I am going to see you in eternity. मैं केवल इस बात की चिंता करता हूँ कि मैं आपको अनंत काल में कैसे देख पाऊँगा. I loved my father and my mother very much. मैं अपने माता और पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. My mother was a saint. मेरी माँ एक संत थी. And for 3 days I could not eat or drink after she died. उनके मृत्यु के बाद 3 दिन तक मैं ना भोजन कर पाया ना पानी पी पाया. But she is gone. पर वो चली गई. She is now sitting with Jesus. अब वो यीशु के पास बैठी है. And once in a while I talk to her. और कभी-कभी मैं उससे बात भी करता हूँ. And I tell her. मैं उनसे बोलता हूँ. My mother, I've been talking to Jesus about a lot of things. मेरी माँ, मैं यीशु से बहुत सारी बातों को तो करता हूँ. You please tell him also. आप भी मेरे लिए बात कीजिए. But she is no more here. पर वो अब मेरे साथ नहीं है. This is your life. आपका भी जीवन ऐसा ही. This is my life. मेरा भी जीवन ऐसा ही है. I was 17 when I left my home to North India to serve my Lord Jesus Christ. 17 वर्ष का था जब मैंने घर छोड़ दिया, उत्तर भारत में गया मेरे प्रभु की सेवा के लिए. Now I am 68. अब मैं 68 साल का हूँ. But in my mind, पर मेरा दिमाग में, I am still 18. अभी भी 18 साल का हूँ. But that is not true. लेकिन सच बात नहीं. You see my beard. आप मेरी दाढ़ी को देखिए. So what I tell you. तो मैं जो कहता हूँ, it is not a command or requirement or my demand. ये कोई आदेश या निर्देश या मेरी मांग नहीं है. Out of pure love, I say those things to you. केवल शुद्ध प्रेम से मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ. And I pray that you will listen very carefully with your mind. और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने मन को लगाते हुए बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए. The two realities we all have to deal with. दो वास्तविकताएं हैं जिसका सामना हम सबको करना है. One is emotions, second the mind. एक तो भावनाएं हैं और दूसरा हमारा मन. For example, you love a boy or a girl. उदाहरण के लिए हम जब एक लड़के से या लड़की से प्यार करते हैं. And your dad or mom says. और मम्मी या पापा कहते हैं. My son, that is not good idea. मेरे बेटे, ये अच्छा आइडिया नहीं है. Your mommy says that is not good idea. मम्मी बोलती अच्छा आइडिया नहीं है. And in your head you know that is the truth. और आप दिमाग में आप समझते हैं कि जो वो लोग कहते हैं वो सही है. But your emotion says. पर आपकी भावनाएं कहती हैं. I love her. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. I love him. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. And you don't know what to do. और आप जानते नहीं क्या करना. It's a tug of war going on. जैसे एक मल्ल युद्ध हो रहा है. Some of you are going through the same experience now. अभी भी कुछ लोग आप में से ऐसे अनुभव से गुजर रहे हो. Because when I was studying in the 10th grade, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, there was a girl in my class. मेरे ही कक्षा में एक लड़की थी. I liked her so much. मुझे उसे बहुत प्यार था. I dreamed about marrying her. और मैं सोचता था उससे शादी करूंगा. And I will walk by the river side just to see her. और मैं नदी के किनारे लंबा चलता था उसी को देखने के लिए. I know her name. उसका नाम मुझे मालूम है. She was beautiful.
बहुत सुंदर थी. There's no one I liked more than her. उससे मुझे कोई भी अधिक सुंदर नहीं लगती थी. But in my head. लेकिन मेरे दिमाग में. I knew. मैंने नहीं, मुझे मालूम था. This could not happen. ये मुमकिन नहीं है. But my heart. पर मेरा दिल कहता था. My emotions. मेरी भावनाएं. And we all go through that. हम सबका ऐसा ही अनुभव होता है. All of you are young people. आप सारे लोग जवान हो. Between 15 and 25 years old. 15 और 25 वर्ष के बीच में होंगे. And you have so many affections. और आपकी कितनी सारी लगाव होंगे. But please listen to me. पर ध्यान से सुनिए. I am not only an older man. मैं ना केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ. But I walk in the same journey you walk through. पर वही यात्रा मैंने भी की है जिसमें आप लगे हुए हो. I still have those emotions. मेरे दिल में अभी भी वे भावनाएं हैं. I still have those feelings. अभी भी वो feelings है. But we have to choose what is right. पर हमको चुनाव करना है सही क्या है. So I speak to you not just as a metropolitan. तो एक metropolitan के तौर पर ही आपसे बात नहीं करता हूँ. But someone who understands you. पर आपको एक समझने वाले व्यक्ति के समान. But if you don't listen carefully, पर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो. If you don't think carefully, अगर सोचोगे नहीं ध्यान से. Religion will become only feelings. धर्म केवल आपकी भावनाओं में घुल मिल जाएगी. Religion and spirituality is only feelings that is dangerous. धार्मिकता और आत्मिकता में केवल भावनाओं से अगर आप चलोगे तो बहुत खतरनाक है. It is both feelings and reasonable. भावनाएं भी जरूरी है और सोच विचार भी जरूरी है. So I speak to you with that understanding. मैं कुछ समझ के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ. Nothing in the world is important. दूसरा कोई भी बात दुनिया में मेरे लिए जरूरी नहीं. Only my Lord Jesus is important. केवल मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए जरूरी है. And you need to think for yourself. आपको भी आपके दिल के लिए क्या है वो सोचना है. Because when life is over. क्योंकि जब जीवन समाप्त हो जाएगा. Your father or mother will not be with you. माँ और बाप हमारे साथ नहीं होंगे. Your friends will not be with you. हमारे साथी हमारे साथ नहीं होंगे. You alone have to be responsible for your life. आपके जीवन की जिम्मेदारी केवल आपके हाथ में. And all of your intelligent people. और आप सब बुद्धिमान लोग हैं. Many of you I talked to. आपसे बहुत सारे लोगों से मैंने बात की. I look into your eyes. मैंने आपकी आंखों में देखा. I know you are smart. मुझे मालूम है आप बहुत चतुर व्यक्ति हैं. Some of the smartest people on earth are from the tribal communities. और सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग मुझे मिले हैं वो है गोत्र या ट्राइबल ग्रुप से. You know why? आप जानते हो क्यों? Jesus was a tribal. यीशु भी एक गोत्र का व्यक्ति था. He was from the tribe of Judah. वो यहूदा के गोत्र का था. I am proud that I belong to him. मुझे घमंड है कि मैं यीशु का हूँ. And so I speak to you knowing that you are thinking. और इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि मैं जानता हूं आपको समझ आती है. But the question is this. पर अब सवाल यह है. What is the meaning of life? जीवन का अर्थ क्या है? Why are we here? हम यहां क्यों हैं? One time I asked a young boy in Jammu Kashmir. एक बार जम्मू कश्मीर में एक छोटे से लड़के से मैंने पूछा. Why do you live? तू क्यों जीवित है? I mean, he answered all my questions. उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया. The final question. आखिरी सवाल. Why do you live? क्यों तू जीवित है? And he didn't answer me. उसने जवाब नहीं दिया. It took a long time. लंबा समय लिया. And finally he said. आखिर में उसने कहा. अरे साहब, जीते क्यों? मरने के लिए. Sir, why do I live? To die. साहब, क्यों मैं जी रहा हूँ? मरने के लिए. Is that the end of life? क्या वही जीवन का अंत है? No. नहीं. Life. It's a classroom. जीवन एक कक्षा के समान है. This is where we are trained. एक पाठशाला जहाँ पर हम ट्रेनिंग लेते हैं. Live for eternity. ताकि हम अनंत काल में जीवित रहे. And so we are responsible. और इसलिए हम जिम्मेदार हैं. You are responsible. आप जिम्मेदार हो. And so I speak to you as a grown-up adult thinking about your life. और अब मैं आपसे बात करता हूँ एक बुजुर्ग वयस्क व्यक्ति के समान जो समझता है कि आप समझ रहे हो. And tonight, what is the important thing? आज रात को सबसे जरूरी बात क्या है? It is not the time we live in. हमारा समय नहीं जिसमें हम जीते हैं. The house, the cars, the land, and the marriage, the children, education, degrees, and what people think about us. हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारी शादी, हमारे बच्चे, ये सारी बातें नहीं हैं.
None of those things has any meaning. In kuch baaton mein bhi koi mulya nahi. What only makes sense is what happens after our life on earth. Ek hi baat mein arth hai aur wo hai jo hamare jeevan ke baad shuru hone wala hai. Why do I say that? Main kyun bolta hoon? See, here's a problem. Dekhiye ek samasya ye hai. In many families we buy electronic items. Bahut se parivaron mein hum electronic ke saman lete hain. It's a blender in the kitchen. Jaise ki kitchen mein mixer hum lete hain. Or a motorcycle. Ya motorcycle. Or a 21 speed bicycle. Ya bicycle jisme gear hoti hai. Or whatever you buy. Ya jo kuch bhi hai. Or a computer. Ya computer. Or iPhone. Ya iPhone. You know what we do? Aap jante ho kya karte hain hum? We don't think about the instruction. Hum nirdesh ko nahi dekhte. That's my problem. Meri bhi samasya ye hai. And I work it all. मैं जब काम करता हूँ, it don't work. काम ही नहीं होता है. And then I realize. फिर मुझे समझ में आता है. I'm a stupid man. अरे मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ. Let me read the book. फिर वो किताब को पढ़ता हूँ. The instructions, how and what I must do with it. उसमें निर्देश दिया गया है कैसे इस चीज़ का उपयोग करना है. You do that. आप भी ऐसा करते हो. We do that. आप भी करते हो. I got a 21 speed bicycle. मेरे पास एक साइकिल है जिसमें 21 गियर है and I try to ride it. और मैं चलाता हूँ and I didn't read anything about it. मैंने कुछ पढ़ा नहीं उसके विषय में nothing worked. कुछ भी नहीं चलता था then I read the instruction. फिर मैं निर्देश पढ़ने लगा you cannot change the gear on a bicycle unless you are riding it. आप गियर तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक गाड़ी आपकी साइकिल चलती नहीं है कैसा बेवकूफ हो गया दिस इज आवर लाइफ हमारा जीवन भी ऐसा ही है God tells us the instruction in His book. परमेश्वर जीवन में जीने के लिए निर्देश यहाँ दे चुका है. And the Orthodox fathers told us 400 years what Jesus meant about our life. और Orthodox के पिताओं ने 2000 साल पहले बताया यीशु क्या हमें सिखाना चाहते थे. But the church many times forget it. लेकिन कलीसिया बहुत बार इसको भूल जाती है। There is a problem we have in India. हमारे भारत में यही हमारी समस्या है। There was a famous missionary who lived in India. एक मशहूर मिशनरी थे जो भारत में रहते थे। His name was Dr. E. Stanley Jones. उनका नाम था डॉक्टर E. Stanley Jones. He was a dear friend of Mahatma Gandhiji. वे महात्मा गांधी जी के प्रिय मित्र थे। One time they met after meeting. In Delhi, at the Saint John's College. एक बार उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में Saint John's College में. And Dr. Stanley Jones asked Mahatma Gandhi ji. Dr. Stanley Jones ने महात्मा गांधी जी से पूछा. This was Saint Stephen's College. Saint Stephen College में उनकी मुलाकात हुई. And Gandhi ji asked. और गांधी जी ने पूछा. No, the doctor, the missionary asked the question, E. Stanley Jones. Dr. Stanley Jones ne sawal kiya. Gandhiji, what must we do to get all the Indians to follow Jesus Christ? Gandhiji, humko kya karna hoga ki sare Bharat ke log Yeshu ke piche aa jaye? Here is a foreigner asking an Indian. एक विदेशी व्यक्ति एक भारतीय व्यक्ति से सवाल करता है. And Mahatma Gandhi ji said. महात्मा गांधी जी ने कहा. Dr. Jones. There's only one thing. एक ही काम करना है. All India will follow Jesus. पूरा भारत यीशु के पीछे आएगा. And Dr. Jones asked. Dr. Jones ने पूछा. Gandhiji, what is that? गांधीजी क्या है वो? Mahatma Gandhiji said. महात्मा गांधी जी ने कहा. If the Christians of India. अगर भारत के मसीही लोग. Live as Jesus lived. यीशु जैसे जीता था वैसे जीने लगे। You don't need to preach to anyone. तो किसी को कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। You don't need to do any missionary work. कोई मिशनरी कार्य की जरूरत नहीं। All Indians will follow this Jesus. सारे भारतीय यीशु के पीछे अपने आप आएंगे। Think about that. उसके बारे में सोचिए। This is a real story. एक सच्ची कहानी है। You read that in the book. आप इसको किताब में पढ़ सकते हो। So if all of us live as Jesus lived. अगर हम सारे यीशु जैसे जीते थे अगर जीने लगे एक वचन भी बोलना नहीं पड़ेगा Everyone will follow this Jesus. सब लोग यीशु के पीछे आने लगेंगे Think about that. इसके बारे में सोचिए That is about your life. आपका जीवन ऐसा होना चाहिए About my life. मेरा जीवन भी ऐसा हो